उपभोक्ताओं के हितों के लिए खास दिन कहे जाने वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जिले भर में कई आयोजन हुए। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शनी के जरिए उपभोक्ताओं की सहायता अर्थ एवं हितार्थी सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप ने प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल्स लगाकर उपभोक्ताओं को जानकारियां दी। उपभोक्ता के हितों के लिए खास दिन कहे जाने वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर मंगलवार को जिले भर में कई आयोजन हुए। मुख्य समारोह जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शनी के जरिए उपभोक्ताओं की सहायतार्थ एवं हितार्थी सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप ने प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों को जानकारी देकर जागरूक करने की बात कही, ताकि उनके अधिकारों का हनन न हो। इसके लिए जिला कलेक्टर ने समय समय पर जागरूकता गतिविधियां चलाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को खाने पीने की वस्तुओं और पेट्रोल में मिलावट के बारे में आमजन को सहज एवं सरल तरीके से अवगत कराने के निर्देश दिए, जिससे आम आदमी आसानी से गलत एवं सही की पहचान कर सके। इस दौरान विभिन्न विभागों अधिकारियों की ओर से उपभोक्ताओं एवं उनके विभागों की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर ने पेट्रोल के नमूनों की जांच की प्रक्रिया को देखा। प्रदर्शनी में सरस डेयरी की ओर से शुद्ध दूध की जांच करने, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों की जांच, डिस्कॉम की ओर से विद्युत मीटर की जांच, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषाहार, रसद विभाग की ओर से पोष मशीन से खाद्य सामग्री वितरण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल कनेक्शन सहायता के बारे में काउंटर स्थापित कर जानकारियां दी गई। प्रदर्शनी में उपभोक्ताओं ने सम्मिलित होकर उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।